तो आज बनेगा दोस्तों चिकन करी, जो देख सकते हैं दोस्तों कि इसको मैंने जवा कर दिया है और उसके बाद कटिंग करने वाला अपना कटिंग कर रहा है। भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको लाइव पूरा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके दोस्तों पूरा मार्केट में कटिंग किया जाता है। और ये देखे, क्योंकि इसको मैं फ्राई करूंगा, है ना बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टुकड़ा किया जा रहा है यहाँ पर, और दो है टोटल, एक उधर है एक इधर है, ये तो हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा हमारे गाँव का सीन है दोस्तों। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि मैं ज्यादातर विलेज लाइफ दिखाते रहता हूँ वीडियो, और विलेज लाइफ स्टाइल, फूड ईटिंग, कुकिंग, ये सब चलता रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों छोटा सा मार्केट है हमारे गांव का, और पीछे नहर है, ये देख रहे हैं ना नहर है। और बारिश का टाइम चल रहा है आप जानते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुर्गी फार्म वाला है, और ये मार्केट में लोग आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसको भी चाहिए दोस्तों चिकन मटन, वो उसको मिल सकता है खाने पीने के लिए। आप देख सकते हैं कि पूरा गाँव के जैसा लग रहा होगा, क्योंकि नहर है हमारे गाँव के बगल में, और ज्यादा मछली मिलती है इसके बगल में, है ना बात। यहाँ पर आप देखिए और ये देख सकते हैं सीन। तो आपने भी ऐसा मार्केट में गए होंगे तो आप जरूर ऐसा लाते होंगे चिकन या मटन जो भी है लाते होंगे, मछली लाते होंगे, तो ऐसा आपको देखने को मिलता होगा माहौल। और हमारे गांव का सीन ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, छोटा ही है। जानते हैं दोस्तों गांव में ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं होता, छोटा ही मार्केट होता है। और यहां पर देखिए अलग अलग लोग रखे हुए हैं, मुर्गा भी रखे हुए हैं और साथ ही साथ मछली भी रखे हुए हैं। देख काटने का स्टाइल देखे, ये देख सकते हैं काटने का स्टाइल देख सकते हैं यार, कितना खतरनाक है ये देखिए, इसको देखिए, ये देखिए कितना खतरनाक तरीके से दोस्तों इसको पूरा पूरा निकाल देगा ये बंदा। और ये सीन पूरा, और काटने के बाद क्या होता है ना कि गर्म रहता है ना तो निकल जाता है, नहीं तो पानी को गर्म करना पड़ता है, उसके बाद डालना पड़ता है मुर्गे को, तब जाके ये पूरा निकलता है। अब ऐसे कटिंग करने के बाद पहले जो जवा किया था वो गर्म ही था सब कुछ, अब उसके बाद ये देखिए एक ही बार में निकाल दिया। तो निकालने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है, ये देखिए पहले कटिंग करने का तरीका देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए पहले साफ कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से, उसके बाद ये देखिए जो कटिंग करने का, ये देखिए कटिंग करने का तरीका देख सकते हैं, ये देखिए काटते कैसे, ये देखिए, ये देखिए एक ही बार झटके मिलेंगे इसको यहाँ पर, उसके बाद कटिंग हो गया। बहुत ही शानदार तरीके से भाई साहब कटिंग हो रहा है, क्योंकि मैंने जवा किया दोस्तों। ये देखिए निकालने का तरीका देखो, जो पीत उतरता है ना वो निकल जाएगा। और ये देखिए इसको धुलने की बारी, कटिंग होने के बाद ये देखिए पूरा अच्छी तरीके से जो ब्लड लगा हुआ है पूरा ब्लड को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। देन उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से पहले फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्राई से पहले दोस्तों धुलाई चालू है यहाँ पर, ये देखिए जो ब्लड लगा हुआ है ना वो सब साफ हो जाएगा। और इसको कई पानी से इसको धुल भी सकते हैं, दो चार पानी से धुल दीजिए ताकि ब्लड जो निकल जाएगा, उसके बाद अपना काम करते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए भैया खतरनाक तरीके से पूरा चल रहा है अपना तगड़ा तरीके से। ये देखिए हाथों में लेग पीस है, छोटा छोटा कर दिया बेचारा। और ये देख सकते हैं भैया जो भी है लेग पीस, देखिए यहाँ पर देखिए चिकन का पूरा माल इधर आ गया है। और ये देख सकते हैं भैया चिकन यहाँ पर देखिए भैया, अभी ब्लड हाई है तो इसको इसीलिए मैं बोला हूँ दो बार धोने के लिए। और देखिए अपना काम चालू हुई है धोने का, धोने के बाद इसको जो है फ्राई करेंगे। ये देखिए अब ये लास्ट टाइम है, लास्ट बार ये देखिए, ये क्या है बताइए कमेंट करके, बताइए मुझे क्या है ये। और ये देखिए लास्ट है, उसके बाद धुलने के बाद जो है फ्राई करने की बारी आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा धोने, ये देखिए अब लास्ट है ना, ये देखिए लास्ट में देखिए ब्लड कम हो गया है ना बात, ये देखिए ब्लड कम हो गया ना, अब ब्लड इसीलिए बोला था कि धुला जाता अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके धुला जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं। ये देखिए लेग पीस है, लेग पीस देख सकते हैं छोटा कर दिया बेचारा। और ये भैया रहा अपना चिकन, इसीलिए बोला जाता है कि भाई साहब चिकन अगर लाएँ तो उसको अच्छी तरीके से पहले धुल लें, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है खाने पीने में, है ना बात। तो ब्लड रहते तो मज़ा नहीं आता है ना, थोड़ा सब लोग को अच्छा लगता है, मुझे तो खास तौर से अच्छा लगता है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से पहले सफाई करता हूँ, चाहे चिकन रहे चाहे मछली रहे, है ना बात। तो इसीलिए जो है अच्छे तरीके से इसको वॉश करिए, धुलिए, धुलने के बाद जो भी रहेगा अपने उसको हल्दी नमक डालकर उसको पेस्ट बनाइए, उसके बाद तब जाकर फ्राई करिए। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अब हो ही गया है मेरा, अब होने के बाद इसको जो है हल्दी लपेटूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको हल्दी डालूंगा मैं, हल्दी से इसको अच्छे तरीके से पूरा इसको जो है बढ़िया से पेस्ट बना दूंगा, ताकि इसको लपेट दूंगा, लपेटने के बाद इसको जो है तब जाकर फ्राई करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना इसका कलर दे रहा हूँ मैं, हल्दी का कलर, इससे क्या होता है ना कि इसमें कलर देने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए पूरा एक मिक्स कर रहा हूँ मैं हल्दी, और ज़्यादा नहीं है हल्दी है, थोड़ा हल्दी रहेगा ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा हल्दी हल्दी करना तो हल्दी नहीं होगा, तो इसलिए जो है इसको अच्छे तरीके से पूरा पहले बढ़िया से मिक्स कर देते हैं चिकन में, देन उसके बाद इसको फ्राई में डालेंगे। तब तक हमारा जो है आग भी तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कढ़ाई के अंदर मैं फ्राई करूँगा, ये कढ़ाई है और इसमें बनाऊँगा चिकन, ये जो भंडी है ना कढ़ाई में जो इसको फ्राई कर लूँगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका है कढ़ाई में, कढ़ाई में फ्राई करने से आसान जल्दी हो जाएगा। और इसमें डाल दूँगा चिकन को। और ये देखिए इसको मैं यहाँ पर आप देखिए थे दोस्तों, मैंने हल्दी के साथ इसको जब बढ़िया से मिक्स कर दिया हूँ चिकन है, और ये देखिए कितना बेहतर तरीके से दोस्तों साफ़ सफाई हुआ है, ये देखिए ब्लड का नाम भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसका मसाला है चिकन का, चिकन का मसाला अलग होता है दोस्तों, ये भी जान लीजिए,
और यहाँ पर देख सकते हैं इसका अदरक है, ये रहा अदरक। अब उसके बाद पूरा इसका ग्राइंडिंग हो गया है और यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये देखिए इसमें जो है दोस्तों लहसुन है और प्याज है दोनों, सॉरी ये प्याज का पूरा पेस्ट है, प्याज का अलग है लहसुन का अलग है, सबका अलग अलग पेस्ट है। अब ये देखिए चिकन को मैं फ्राई करूँगा। अब चिकन भी अपना पीला पीला हो ही चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए सीन। तो अब इसको जो है देर ना करते हुए दोस्तों, ये देखिए सब पानी है इसीलिए मैं अलग अलग बर्तन में डाल दिया ताकि जो है पानी थोड़ा कम हो जाए और ज़्यादा छीटा ना पड़े। क्या होता है ना कि गरम गरम तेल रहता है, छिड़काव होता है ना, वो मुंह पे आता है या कहीं मतलब छटकते रहता है वो, है ना बात। ये आप देख सकते हैं अब डालता हूँ मैं। तो देख रहे हैं ना चिकन फ्राई हो रहा है अब, और तेल भी गर्म है। और देखिए ये देखिए किस तरीके से दोस्तों हम चिकन फ्राई कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से जो कि आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये हमारा ये ब्लॉग? हालांकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा दोस्तों, चिकन फ्राई करते कैसे हैं, चिकन रेसिपी कैसे बनाते हैं, चिकन को बनाने का तरीका, मतलब बहुत सारा दोस्तों मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि चिकन रेसिपी बनाते कैसे हैं। तो हालाँकि मुझे सबसे सिंपल और सबसे आसान आइडिया यही लगा कि चिकन को पहले फ्राई कर लीजिए हल्की आंचों पर, और उसके बाद तेल मीडियम रहे इसको पूरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये चिकन फ्राई कर ही रहा हूँ मैं, और ये देखिए तेल भी पूरा खोल रहा है और अच्छे तरीके से दोस्तों अपना चिकन टाइट है पूरा एकदम, और उसके हिसाब से पूरा चिकन फ्राई हो रहा है जो कि आप देख रहे हैं। ये देख रहे कितना तेल खोल रहा है, आँच भी पूरा मीडियम है, आँख जो है ना मीडियम है। अब ये देखिए ये अपना देसी जुगाड़ है दोस्तों, ये निकालने का, ये देखिए इसी से दोस्तों निकाल रहा हूँ ताकि जो है तेल भी बर्तन में ना और तेल कढ़ाई के अंदर ही रहे, और अच्छे तरीके से मैं इसको इसी से मैं दोस्तों डाल भी रहा हूँ और इसे निकाल भी रहा हूँ चिकन को। ये देखिए निकालने का तरीका, ये देखिए भाई साहब कितना शानदार दिमाग लगाया हूँ मैं ताकि चिकन भी निकल जाए और तेल भी इसके अंदर ही रह जाए, कढ़ाई के अंदर रह जाए। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से दोस्तों मैं जुगाड़ लगा कर ये देखिए चिकन फ्राई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आइडिया सही लगा कि नहीं लगा ये देख सकते हैं भाई साहब जुगाड़ पे जुगाड़ लगाना पड़ता है ना बात। यहाँ पर ये देख लीजिए भाई साहब तेल भी पूरा एकदम, ये देखिए तेल चिकन जो है ना जल जा रहा है इसके अंदर क्योंकि आँच जो है ना तेज जल रहा है। तो इसको थोड़ा कम करते हैं आँच को, और उसके बाद क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, आग से बनता है जो खाना है, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना। ये देखिए डालने का तरीका, ये देखिए इसी से दोस्तों मैं डाल भी रहा हूँ है ना छन्नी, और इसी से निकाल भी रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना। तो आप लोग भी ऐसा जुगाड़ करिए और इसको चिकन में अप्लाई करिए, जब चिकन को फ्राई करेंगे तो यही आप लाइए छननी जो जाली वाली होती है ना, जाली वाली से, और इसे जो फाक फाक होता है गैप गैप वो वाली लाइए और उसके बाद आप डालते रहिए। देखिए चिकन फ्राई हो चुका है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये वाला, और ये देखिए कितना अच्छे तरीके दोस्तों चिकन फ्राई हुआ है, ज़्यादा जला भी नहीं है और अच्छे तरीके दोस्तों चिकन को फ्राई कर चुका हूँ। ये देखिए और ये आधा से अधिक हो भी चुका है यार, ये चिकन जो है ना आधा से अधिक हो भी चुका है, बस 10 से 15 मिनट लगेंगे उसके बाद ये चिकन रेसिपी रेडी हो जाएगा, तो चिकन करी बन जाएगा। तो अभी तो देखिए दोस्तों कि मैं अभी फिलहाल में फ्राई कर रहा हूँ मैं, और फ्राई करने के बाद इसको जो है तब जाकर रेडी करूँगा रेसिपी, और उसके बाद उससे पहले दोस्तों मैं प्याज डालूँगा और प्याज जो भी रगचित पत्ता वगैरह डालकर रेडी कर दूँगा। और ये अभी देखिए हो ही रहा है अपना काम, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी है दोस्तों, है ना बात, इससे लगभग 30 मिनट का आधे घंटे का वीडियो था दोस्तों, लेकिन इसको मैं स्पीड करके दोस्तों कट कर इसको छोटा किया हूँ मैं, है ना बात। यहाँ पर देखिए यानी आधे घंटे का वीडियो को दोस्तों मैं इतना छोटा बना दिया कि क्या बताऊँ मैं, और हालांकि समझ में नहीं आता है ना यार कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना बात। अब थोड़ा सा और रह गया दोस्तों चिकन फ्राई करने को, ज़्यादा नहीं है क्योंकि टाइम लग रहा है दोस्तों, और मुझे भी टाइम लग रहा है बनाने में, और ये आप देख ही सकते हैं कि मैं कब से चिकन फ्राई कर ही रहा हूँ मैं।
तो हालांकि मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चिकन फ्राई करके जल्दी से रेसिपी तैयार कर दूँ, और लगी है भूख क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है चिकन बनाने। अगर देखा जाए दोस्तों तो आधे घंटे से अधिक लग जाता है दोस्तों चिकन बनाने में, है ना बात। ये तो अच्छा है कि दोस्तों वीडियो कट कट कर छोटा छोटा वीडियो करके दोस्तों इसको मैं जल्दी जल्दी बना पा रहा हूँ मैं। हालांकि अगर इसको अगर रियल बनाऊँ तो दोस्तों बहुत ही उल्टा सीधा लगेगा आपको देखने में भी। तो ये हालांकि मैं जैसे तैसे दोस्तों वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाय भी यहाँ पर हो रहा है और अपना यहाँ पर चिकन फ्राई भी हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते दोस्तों कि अपना जो मसाला है दोस्तों रेडी है, और यह प्याज है यहाँ पर, और इसके बाद प्याज को कट कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद चिकन भी फ्राई हो चुका है ये देख सकते हैं, और प्याज तो अपना इतना रेडी है, इतना बहुत है, 2.5 किलो के लिए 2.5 kg है अपना चिकन, और उसके बाद ये चिकन रहा। अब दोस्तों अब बारी हो चुकी है अब प्याज डालने की, अब भंडी में प्याज डालते हैं, तेल भी देख सकते हैं। अब ये देखिए प्याज डाल दिया दोस्तों, और उसके बाद जो है प्याज को लाल होने देते हैं, धीरे धीरे पकने देते हैं, उसके बाद डालेंगे चिकन को, क्योंकि चिकन फ्राई तो अपना हो ही गया है। अब ये प्याज की बारी है, तो प्याज को धीरे धीरे छोड़ देते हैं लाल होने के लिए, जब हल्की हल्की लाल हो जाएगी तब डालेंगे चिकन, सॉरी मसाला डालेंगे, मसालों को हल्का हल्का उसको भी भून देंगे, भूनने के बाद जब मसाला पक जाएगा पूरी तरीके से तब जाकर इसको जो हम डालेंगे चिकन को। तो अभी फिलहाल में देख ही रहे हैं कि अभी जो है प्याज को डाला हूँ मैं फिलहाल में, और उसके बाद ही इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि चूल्हे पकाना दोस्तों थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए अपना जो है एक तरफ का हो चुका है, एक तरफ का कढ़ाई हो गया है, अब उसके बाद फ्राई तो हो ही गया है, अब ये इसको छोड़ देते हैं धीरे धीरे अपना ये पके, और उसके बाद ये देखिए चिकन तो अपना सब A to Z फ्राई हो चुका है, जितना चिकन था दोस्तों 2.5 kg में इसको फ्राई कर दिया हूँ मैं। अभी प्याज जो है हल्की हल्की लाल हो रही है, अब इसको भी होने देते हैं अभी तक 5 मिनट तक छोड़ देते हैं इसको रहने देने के लिए। अब देखिए दोस्तों ये भी लगभग हो ही चुका है ना बात, ये भी लगभग हो ही चुका है, आधा से अधिक हो जाए, थोड़ा चला देते हैं, उसके बाद डालते हैं मसाला को, थोड़ा चला देते हैं, चलाने के बाद डालते हैं मसाला, तब जाकर उसको जब मसाला पूरी तरीके से दोस्तों पर पक जाएगा अच्छे तरीके से, तब जाकर दोस्तों मैं उसको डालूंगा चिकन को, और थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, पहले चिकन को भून लूंगा अच्छे तरीके से, उसके बाद पानी डालूंगा, क्योंकि अब लगता है कि शायद प्याज हमारा हो चुका है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल में ये देख सकते हैं, और ये देखिए भैया अपना कारोबार, और ये देखिए दोस्तों अपना प्याज पूरी तरीके से दोस्तों लाल हो चुका है। अब आगे दोस्तों बारी मसाला डालने की, क्योंकि देर ज़्यादा अगर इसको पकाएंगे दोस्तों तो प्याज जल जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो आप देख सकते हैं अब ये रहा दोस्तों अपना मसाला, ये 2Z मसाला है, इसको अब 2Z मसाला डाल देते हैं, क्योंकि अब बारी हो चुकी है मसाला भूनने की, तो मसाला को भून देते हैं अच्छी तरीके से। अब ये देखिए पूरा मसाला को दोस्तों डाल दे रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से, ये देखिए जितना मसाला दोस्तों मैंने बनाया था पेस्ट था वो सब 2Z इसके अंदर डाल दिया हूँ। राजेश मसाला, चिकन मीट मसाला, चिकन मसाला दोस्तों अलग होता है, अगर मार्केट में जाएंगे अगर दुकान वाले के पास तो बोलेंगे भाई चिकन मसाला बना के दो अलग से, तो बना कर दे देगा, है ना। अगर ऐसे बनाएंगे तो नॉर्मली तो आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग टेक्निक होता है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों मैं मार्केट से ही लाता हूँ मसाला, क्योंकि उसका टेस्ट अलग रहता है। जो चिकन लोग बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, मार्केट में सिटी में जाएंगे अपने तो आपको मसाला मिल जाएगा, और स्वाद और टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, खाने का मज़ा ही कुछ अलग होगा, और जायका बढ़ जाता है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ। मैं आपको जो मैं तो बताया था दोस्तों कि वो चिकन लेग पीस के लिए अलग मसाला होता है, मछली के अलग मसाला होता है ना बात, सबका अलग अलग मसाला होता है, बस उसको बनाने का तरीका अलग होता है। हालांकि मुझे मसाला का उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी दोस्तों मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी सीख जो मसाला का भी नॉलेज ये चीज़ पता रहा, और उसके बाद चिकन मसाला बनाते कैसे, किस तरीके से लोग बनाते हैं मार्केट वाले। और ये देखो थोड़ा सा पानी है, इसको डाल देते हैं, थोड़ा सा पकने देते हैं मसाला को, जब मसाला पूरी तरह से पक जाएगा अच्छे तरीके से हो जाएगा तब डालेंगे हम भैया चिकन को। और उसके बाद ये रहा थोड़ा सा तीखी मिर्च, और ये रहा भैया थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा हल्दी कम लग रहा था मुझे, तो अब ये देखिए हल्दी डाल दिया हूँ मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको थोड़ा पकने देते हैं, ताकि जो पकने के बाद जब हो जाएगा तब डालेंगे चिकन, और उसके बाद हो जाएगा तैयार अपना चिकन रेसिपी, और खाने में मज़ा आएगा, चावल से खाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए कुछ मसाला छूट गया दोस्तों, ये देखिए जो मार्केट से लाया था मसाला वही डाल दिया हूँ मैं, और उसको थोड़ा सा आधा पहले डाल दिया हूँ मिक्स कर गया, और थोड़ा खाली डाल दिया हूँ, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके पकेगा, और पकने के बाद दोस्तों ये पूरा अपना तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये भी चिकन मसाला है, अलग से जो मसाला बोला था ना दोस्तों मार्केट वाला, वो ऐसा नहीं कि मतलब वो मार्केट में मिलता है अलग से, इसके लिए चिकन मटन के लिए अलग से मसाला मिलता है, जाएंगे जब जो मसाला बेचते हैं लोग
वो अलग से बना के दे देंगे आपको। और वो भी नहीं, मतलब सबके पास नहीं मिलता है, जो मसाला बेचता है खुले में वो अलग से मसाला तैयार करके रखते हैं लोग, कौन सा मसाला कौन से व्यंजन में लगने वाला है ना बात। तो ऐसा नहीं कि मतलब है जैसे मन के वैसे डाल दे। यूट्यूब पर तो बहुत सारे देखेंगे वो ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, लेकिन नहीं, आप रियल में जाएंगे मसाला ख़रीदने के लिए तब आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर मसाला होता क्या है और कौन सा मसाला डालने से कैसा टेस्ट आता है। क्योंकि जो मसाला जिसको जानकारी है मसाले के बारे में वही जान पाएगा। और तो बहुत सारे मसाले देने वाले लोग हैं, और पैकेट का मसाला तो बिल्कुल यूज़ मत करिए, पैकेट का मसाला से दूर रहिए, थोड़ा बहुत रहे तो डाल दीजिए हल्का हल्का स्वाद के लिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों हमारा मसाला दोस्तों पक के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं मसाला दोस्तों अपना पक के रेडी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा। अब डालते हैं दोस्तों चिकन को, ये देखिए मसाला हमारा जो है 99% दोस्तों पक चुका है ना बात, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि मसाला जो है पक चुका है। अब फिलहाल में देखिए ये रहा भैया अपना मसाला का स्वाद, और उसके बाद खुशबू बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा आ रही है। तो दोस्तों टाइम ज़्यादा होने के बाद दोस्तों अब मिला है दोस्तों अब चिकन रेसिपी तैयार करने का। तो अब मसाला होने के बाद दोस्तों अब डाल देते हैं दोस्तों चिकन को, जितना दोस्तों अपने पास 2.5 kg का चिकन था दोस्तों सब डाल देते हैं। अब ये धीरे धीरे पूरा पकेगा, 15 से 20 मिनट के बाद दोस्तों अपना चिकन रेसिपी पूरा तैयार हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। और मैं बहुत देर तक दोस्तों चिकन बनाने का पूरा प्रयास कर रहा था, और आपको मैं शुरू से लेकर आखिरी तक दोस्तों आपको वीडियो दिखाने का पूरा प्रयास किया, और यहाँ पर दोस्तों अपना हो गया दोस्तों चिकन रेसिपी। अब इसको 15 से 20 मिनट के बाद अपना चिकन रेसिपी तैयार हो जाएगा, और आप लोग भी बहुत सारा दोस्तों वीडियो देखे होंगे, और हमारा दोस्तों है विलेज लाइफ, तो आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइए अपना इस भाई को, और उसके बाद जो भी आप फ्रेंड भाई ब्रदर चाचा मामा जो बोलना है बोल सकते हैं, तो उसके बाद प्यार सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।